बड़वानी जिला मुख्यालय पर जिला योजना समिति की मीटिंग में प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो पहुंची, जहां मीटिंग के पहले सर्किट हाउस में लोगों की समस्या सुनी। वहीं एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने एसडीएम अभय सिंह ओहरिया की शिकायत की। जिला योजना समिति की बैठक में आए प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने लोगों की समस्या सुनी। स्कूल टीचर, स्वास्थ्य कर्मी सहित आमजनों की समस्याओं को सुनकर वहीं निराकरण किया। उन्होंने बताया कि जिला योजना की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित किसानों की समस्या पर कलेक्टर सहित संबंधित विभागों से चर्चा की जाएगी। साथ ही पुनर्वास को लेकर हो रही लोगों की बिजली, पानी, नाली और सड़क की परेशानियों को दूर करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जिला योजना की बैठक में गृह मंत्री बाला बच्चन भी आए। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं जाते समय पट्टे की मांग कर रहे लोगों ने गाड़ी रोककर अपनी समस्या से अवगत कराया। आश्वासन के बाद वे जिला योजना की बैठक के लिए रवाना हुए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मैं मेन में ले रही हूं पीएचई बिजली बहुत और हेल्थ। अभी पुनर्वास में स्थिति बहुत खराब देखने में आ रही है किसानों की। खाद बीज पुनर्वास की बात करें तो बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं, नाली, सड़क की बहुत असुविधाएं हैं। मैंने पहले भी आपके पहले कुछ पत्रकार आए थे, उनसे कहा था कि मेरे संज्ञान में ये चीज आई है और मैंने जैसे ही कलेक्टर साहब मेरे से मिलने आए, इसमें साहब सबसे पहले मैंने वही उठाई कि भाई ये जो भूअर्जन की प्रक्रिया है इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एरिया मैशो आर्डर प्रोजेक्ट में भी इस बीमारी से जूझ रही भूअर्जन की। तो अभी कुछ 5 मिनट की हमारी चर्चा हुई, 5 मिनट की चर्चा में मैंने उनसे सब लिया। उसमें थोड़ा सा मैं गंभीर उनसे बात करने वाली हूँ कि भाई हमने पुनर्वास की जो नीति है उसके अनुरूप हम लोगों ने यहाँ पर वो काम किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कारण इसके क्या रहे। फिर ये पूरा फीडबैक लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के